क्या हुआ? जब अचानक ही साईं बाबा के मंदिर में घुसे चोर, और फिर जो साईं बाबा ने किया ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सभी लोगों के उड़ गए होश। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। यह सच्ची घटना सितारा गंज के एक छोटे से गांव की है, जहां पर साईं बाबा के मंदिर में एक साधु उनकी पूजा किया करता था। जब उस मंदिर में चोर चोरी करने के लिए घुसे, तभी वहां पर अचानक ही एक सच्ची घटना घटी। वहां के साधु साईं बाबा के बहुत बड़े भक्त थे, इसीलिए वह जल्दी से सुबह उठकर साईं बाबा को स्नान कराने से लेकर भोग आरती और रात्रि शयन तक सारी सेवा वह बहुत ही तन मन से किया करते थे। उनका एक नियम था कि वह तीनों संध्या में साईं चालीसा का पाठ करेंगे। एक दिन की बात है, मंदिर में भंडारा होने के कारण वह कार्य में अत्यधिक व्यस्त हो गए और साईं चालीसा का नियम नहीं कर पाए। तब साधु ने शाम को ही साईं बाबा की तीन बार साईं चालीसा का पाठ करके नियम को पूरा कर लिया। पाठ के कारण मंदिर के कपाट को वह बहुत ही देरी से बंद कर रहे थे। वहीं पर थोड़ी दूर में तीन चोर घात लगाकर बैठे हुए थे। उन्होंने सोचा कि मंदिर में तो आज भंडारा था और मंदिर भी आज बहुत ही देरी से बंद हुआ है, जरूर खूब चढ़ावा आया होगा। आज रात हम लोग सारे पैसे को चुरा लेंगे। साधु अपने मंदिर के पास बनी कुटिया में सोने के लिए चले गए। आधी रात के बाद तीनों चोर ताला को तोड़कर मंदिर के अंदर घुस आए। वहाँ पर उन्होंने मंदिर के अंदर दान पात्र में पड़े सारे रुपए निकाल लिए। उन्होंने देखा कि साईं बाबा का छत्र मुकुट चांदी का है और बहुत ही मजबूती से लगाया हुआ है। उन चारों ने बड़ी मेहनत और मशक्कत कर उस मुकुट को भी उतार लिया। जब चोरों ने देखा कि इतना बड़ा भंडारा इस मंदिर में हुआ था, पर उस हिसाब से माल तो कुछ मिला ही नहीं है, इसका मतलब जरूर उस साधु बाबा ने अपने पास बहुत सारा पैसा जमा कर लिया है। वह सारे पैसे को अपने घर में ही कहीं छिपाया होगा। वह उस साधु बाबा के कुटिया के पास गया और दरवाजे को जोर से खटखटाया। दरवाजा खुलने पर चोरों ने साधु से पूछा कि मंदिर का माल कहाँ छुपा रखा है बुड्ढे। साधु महाराज ने कहा कि उनके पास तो ज्यादा कुछ है ही नहीं, जो भी कुछ उनके पास था वह सभी आए हुए महात्माओं को वह बांट चुके हैं। वास्तव में वह साधु बिल्कुल सच बोल रहे थे, लेकिन चोरों को बाबा जी की बातों पर विश्वास नहीं था। उधर चोरों ने पूरी कुटिया की तलाशी ले ली, लेकिन उनको वहाँ पर लेने लायक कुछ भी नहीं मिला। उन चोरों ने सोचा कि शायद मंदिर में ही कहीं माल छिपाया होगा। वह साधु बाबा जी को लेकर वापस मंदिर में आ गए। उन चोरों का सबसे बड़ा जो चोर मुखिया था, वह साधु को गाली गलौज कर डराने और धमकाने लगा। तभी एक चमत्कार हुआ, अचानक ही वहाँ पर मूर्ति से आवाज आई। इतना ही सुन चोर घबरा गए कि ये आवाज कहाँ से आई। चोरों ने मूर्ति के चारों ओर देखने लगे। किसी के भी ना मिलने पर चोरों के मुखिया ने कहा, कौन बोल रहा है? तभी मूर्ति से अचानक ही दोबारा आवाज आई, जिसका मुकुट और छत्र उतार रखा है, मैं वही बोल रहा हूँ। तभी किसी अदृश्य शक्ति ने एक जोरदार तमाचा चोरों के मुखिया पर मारा। वह मुखिया चोर वहाँ पर बेहोश हो चुका था और अचानक ही जमीन पर गिर पड़ा। इस चमत्कार को देख साधु बाबा की आंखें झलक पड़ी और अहो भाव से भरकर वह मूर्ति के सामने दंडवत प्रणाम करने लगे। बाकी चोर तो पूरी तरीके से डर गए, इसीलिए वह पहले ही साईं बाबा से क्षमा प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हम दूसरे धर्म के हैं, इसीलिए आपको नहीं मानते, इसीलिए हमसे गलती हो गई। छत्र और मुकुट उतारते समय ही आप अगर उसी समय कह देते तो हम आपका मुकुट और छत्र उतारते ही नहीं। उन चोरों ने जल्दी से साईं बाबा को वह मुकुट पहना दिया और छत्र को भी वापस बांध दिया। और एक तरफ हाव भाव से भरे हुए साधु बाबा जी अपने भक्ति की शक्ति को देखकर धन्य हो गए। वह अपने आप को धन्य महसूस कर रहे थे। बाद में इस चमत्कार को लेकर मंदिर में बहुत ही भीड़ भाड़, राजनीति, तमाशा आदि ना हो, इसीलिए बाबा जी ने इस घटना के विषय में कुछ गिने चुने संत महात्माओं तक ही इस बात को सीमित रख दिया। इस प्रकार साईं बाबा ने चोरों से मंदिर की पुजारी की रक्षा की। आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जय साईनाथ अवश्य लिखें। धन्यवाद।